देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के विभिन्न मंदिरों में खास तैयारियां भी की गई हैं और सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में कान्हा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई हैं और भक्तों के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें सामने आ रही है जहां आज कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। और ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कानपुर और फरुखाबाद की तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में कई तरीके की कान्हा जी के रंग बिरंगे वस्त्र और खास तौर पर बात की जाए तो आज कान्हा जी के जन्मोत्सव के मौके पर खास सामग्री भी बाजारों में देखने को मिल रही है। फिर चाहे बात की जाए कान्हा जी के कपड़ों की या उनकी प्रिय बांसुरी या मोरपंख, तो कई तरीके की सामग्री जो है वो बाजारों में भी देखने को मिल रही है। जय श्री कृष्णा। समस्त देशवासियों, सनातन धर्मावलंबियों, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को लाला के 5251वें जन्मदिन की कोटि बधाई, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि, पुण्य जन्म भूमि पर लाला का जन्म महोत्सव बहुत ही भव्यता, धूमधाम और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। श्री ठाकुर जी के भक्त देश विदेश से लाला के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। संत और शास्त्रों का मत है कि देव देवादिदेव महादेव भी जिस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारते हैं, कामना करते हैं ऐसा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले इस दिव्य महोत्सव की तैयारियां अद्भुत और अनुपम है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ, उस अजन्म ने जन्म की लीला की है इस पवित्र भूमि पर। आज के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का महत्व वैकुंठ से भी ज्यादा बताया गया है। वैकुंठ में तो चिरंतन नारायण का वास है ही, लेकिन नारायण ने पूर्णावतार, प्रेमावतार, रसावतार रूप में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में इस धरा पर प्राकट्य लेकर एक मानवता को रास्ता दिखाया। बहुत हर्षित हो रहा हूँ कि ऐसा सौभाग्य मिला कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पे जन्मस्थान मंदिर में आ गया हूँ। बहुत ही कृष्ण जी की कृपा है। ये प्रशासन ने बहुत ही अच्छी तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम करके रखा हुआ है। लाखों लोग हैं लेकिन फिर भी सब कुछ स्मूथली चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से किया है, मंदिर प्रशासन ने बहुत अच्छे से किया है। राधे राधे। बहुत ही सौभाग्य से आज के दिन मुझे यहाँ पे दर्शन करने को मिला है। बस भगवान का शुक्रिया करना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत सौभाग्य है यहाँ पे आए हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की दर्शन हो गए, बहुत अच्छा से हुए दर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, ये करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम हर साल आते हैं इसी तरह की सन्नी का बर्थडे मनाने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बोल राधे राधे बोल बंसिया लाल की जय। इस बार आकर के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो कि दिल प्रफुल्लित हो जा रहा है। मंदिर में मंदिर प्रांगण से लेके पूरा शहर सजा हुआ है, भगवान के नाम से गूंज रहा है पूरा शहर। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु हमेशा बुलाते रहे, बस यही प्रभु से कामना है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश भर के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें सामने आ रही है जहां आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां की गई हैं और 56 भोग आज उन्हें लगाए जाएंगे। प्रदेश भर के अलग अलग मंदिरों से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयोध्या से बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर और मथुरा से ब्रिज किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। मथुरा जो कि श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मानी जाती है, आज किस तरीके का उत्साह अपने आराध्य का जन्म दिवस मनाया जा रहा है?
अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन की तैयारियां बताए हैं, भीड़ को देखते हुए तमाम किसी मोहताज नहीं है, किस भीड़ का कोई परिचय नहीं है, क्योंकि ये भीड़ अपने भगवान के दर्शन के लिए आ रही है लगातार सुबह से और रात के 12 बजे लड्डू गोपाल और कान्हा का दर्शन करने हैं और लगातार इसी तरह ये भीड़ सुबह बिल्कुल ब्रिज लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर भी बने हुए। सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे आज मंदिरों में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि आज हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल देखिए, 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार है लेकिन लगाया गया और आरती की गई है, जिसके बाद यहाँ लगातार दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मातृ जय प्रशासन की सुरक्षा की तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और लगातार लोग कतारों में लगातार ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, अयोध्या से बीएस लाठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीएस, आपसे भी जानना चाहेंगे अयोध्या की बात की जाए तो आज किस तरीके का उत्साह आप देख पा रहे हैं लोगों में, श्रद्धालुओं में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव? अयोध्या में नहीं, पूरे देश में इस समय की बात की भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। घरों से लेकर मठ मंदिरों में लेकर के हर जगह थाना पुलिस चौकियों में लेकर के आपने देखा होगा सुबह की जो मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भेज दिए हैं कि पुलिस लाइन हो या समस्त थाने हो, उन सबको ये निर्देश दिया गया सुबह की मुखिया की तरफ से कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए और साधु संतों ने चाहे राम मंदिर की बात की जाए, आज राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा की बात पहली जन्माष्टमी है तो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। मंदिरों में घंटे हरियाली बजेंगे, साधु संत से लेकर के पुलिस लाइन हो या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा तो अपने देवतुल अपनी जो जनता है भगवान का अपने कृष्ण और अपने ईश्वर अपने इष्ट का जन्म उत्सव मनाएंगे। इसे अयोध्या में तमाम देखने की खुशी और लोगों में उत्साह है। बिल्कुल ब्रिज, हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं तस्वीरों में कई लोग भी वहां पर मौजूद हैं आज श्री कृष्ण जन्मस्थली के बाहर। क्या कुछ कहना है लोगों का आज किस तरीके से जन्माष्टमी मनाएंगे? ब्रिज, आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो हम एक बार कोशिश करेंगे कि आप एक बार अपना ऑडियो प्लीज जरूर चेक करवा लें। सीधा मैं सैयद आपके पास आना चाहूंगी, आप भी इस दौरान मंदिर के बाहर मौजूद हैं, खासतौर पर बात की जाए क्योंकि शाम का समय जैसे जैसे होगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाएगी, जन्मोत्सव का समय जैसे ही होगा तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिर परिसर में ताकि श्रद्धालुओं को जो है अच्छे से दर्शन भी हो सके और कोई दिक्कत भी ना आए? बता दें प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है और मंदिर परिसर में और आपको और अपने दर्शकों को यहाँ पर हम दर्शन भी कराएंगे राधे कृष्ण के। और सबसे खास बात ये कि इस्कॉन मंदिर में जो इस बार राधे कृष्ण के लिए जो वस्त्र आए हैं वो पूरी तरह से रत्न जड़ित वस्त्र है और इसकी अनुमानित कीमत 5.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है और हर साल की तरह ये वृंदावन से वस्त्र मंगाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पूरी तरह से लोगों की कतार लंबी लगी हुई है। फिलहाल हम लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे, आप लोग यहाँ आए हैं क्या किस तरह से व्यवस्था है, कैसा लग रहा है? और लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है जन्माष्टमी, क्या कहिएगा? तो और लोगों से बात करने की आप कोशिश करके आप लोग दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है जन्माष्टमी, क्या कहिएगा?
तो मेरा ज्ञान देते हैं जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर उत्साहित है और लगातार मैदानों में लग कर यहाँ पर लाले कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और एक अद्भुत नजारा है यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु लाइन में लग कर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। और अगर बात करें यहाँ प्रशासन की व्यवस्थाओं की तो चार प्रशासन व्यवस्थाएं हैं और मंदिर के लोगों के अनुसार यहाँ करीब 4.5 लोग के आने की अनुमानित आकलन लगाया गया है। जी बिल्कुल, बीएस आपसे भी जानना चाहेंगे, हमने प्रयागराज के भी मंदिरों की तस्वीरें देखी कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और जैसे जैसे शाम का समय होगा तो जन्मोत्सव को लेकर के जो लोग हैं वो भी अब फिर मंदिरों में पहुंचेंगे। अयोध्या की बात की जाए तो किस तरीके की तैयारियां की गई है जन्मोत्सव को लेकर? भगवान राम के बाद मंदिर प्रतिष्ठा के बाद पहली जन्माष्टमी है तो अयोध्या में उसके लाखों संतुष्ट हो लाखों श्रद्धालु हो जाते हैं और इस बार अयोध्या में तमाम तरीके सुबह से ही जो श्रद्धालुओं ने वहां करी और राम जन्मभूमि कनक भवन मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और अब की बात वर्ष में पहली बार उनकी प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भी जो जन्माष्टमी है ये इसका कार्यक्रम किया जा रहा है और अयोध्या में मंदिरों में जोर शोर से ये कार्यक्रम होता है तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पहला कार्यक्रम है। वर्ष में जो अभी तक 10 बजे तक दर्शन होते थे ये बकायदा 12 बजे तक ये दर्शन होंगे और 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तमाम प्रकार के लोग आपकी घंटे लगाए जाएंगे, तमाम साधी संत भगवान रामलला के दरबार में तमाम लोग इकट्ठा होंगे और तमाम श्रद्धालुओं के सामने उसमें जो लाखों श्रद्धालु हैं वो रहेंगे और ग्रह वीर भगवान रामलला का के उसमें भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान राम के मंदिर में ये तमाम चीजें हैं जो सोशल साइट पे या तमाम चीजों को दिखाया जाएगा। तो ये मथुरा और यहाँ की अगर बात की जाए तो मथुरा में इसका तमाम सेंटर रहेगा पर पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ भगवान कृष्ण के जन्मदिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे कई मंदिरों में झांकियां भी निकाली जाती हैं खासतौर पर कृष्ण जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाओं से लेकर रासलीला से लेकर कई अलग अलग तरीके की झांकियां निकाली जाती हैं, क्या इस तरीके की भी कोई व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है प्रयागराज के मंदिरों में? फायर ब्रिगेड स्टेशन हो या रिजर्व पुलिस लाइन हो वहां पर इस तरह की झांकियां सजाई जाती हैं और चौकों पर भी इस तरह की झांकियां निकलती हैं जिससे लोग देखकर काफी आनंदित होते हैं और इस तरह की झांकियों में लोग हिस्सा लेते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर हर त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि तीर्थों के राजा है प्रयागराज और प्रयागराज में हर त्यौहार को बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है, हिस्सा लिया जाता है और यहाँ एक अद्भुत ही नजारा होता है इन सारे त्यौहारों पर। जी बिल्कुल, ब्रिज खासतौर पर बात की जाए मथुरा की जो कि प्रसिद्ध ही श्री कृष्ण जन्म स्थली के नाम से है और ऐसे में वहां सिर्फ मथुरा ही नहीं बल्कि देश भर के भी अलग अलग कोनों से आज लोग आ रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो खासतौर पर बात की जाए शाम का समय होगा जन्मोत्सव का समय, क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम रखे गए हैं? तमाम मंदिरों के गेटों का एक तरफ से एडजस्ट बनाया गया है और जो पहले से ही बुक कर दिए गए हैं ज्यादा बड़ी मंदिर है हम जिस मंदिर के खाना से जन्म लिए जहाँ यही लगातार भक्त आते हैं और चप्पे पर उसकी तैनाती दीवारों की तैनाती की गई है जिससे की कहीं कोई व्यवस्था खराब ना हो। बिल्कुल ब्रज, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, रात को करीब 11 से 12 बजे के बीच वो समय होता है जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, कितने समय का कार्यक्रम रखा गया है शाम की बात की जाए और क्या कुछ गाइडलाइंस रखी गई है श्रद्धालुओं के लिए भी? होती है तमाम जगह
भगदड़ ना हो, तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी लगाए जिससे महिला अब बिल्कुल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको अलग अलग तस्वीरें भी हमने दिखाई अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा की, जहां कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां की गई हैं और विशेष तौर पर जो पुलिस प्रशासन है वो आज पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है।